आज को तड़कतो और बड़कतो समाचार लेके हाजिर है आपका सबका सामने। अपना उज्जैन वाली पुलिस ने गुरुवार शुक्रवार रात इतरो बड़ो हाथ मारी दियो जिकी चर्चा आज तो आखा दन आखा भारत में रही। मामला जी इतरो बड़ो थो, क्रिकेट या सट्टा मामला थोड़न बहुत 15-20 करोड़ को खेल गड्ढा देखे दिमाग में मची की रेलम पेल। अपना उज्जैन का एक भाई साहब है पीयूष चोपड़ा जी, मुसद्दीपुरा आड़ी रेवे। गई रात पुलिस का हरिराम उन्ने समाचार पहुंचायो पीयूष चोपड़ा जी का खोपड़ा जी में कजे कई पकी रियो है, लंबो खेल चली रियो आई का देर। झट रात में एसपी प्रदीप शर्मा जी ने टीम बनाई ने प्रदीप चोपड़ा जी को घर घूम दिखायो। यहाँ ढेर सारा नोट मिली गया, यहाँ समाचार मिलियो का असली खेल लेना मकान में नहीं नील गंगा आड़ी की ड्रीम्स कॉलोनी वाला एक घर में चली रियो है। एक टीम माँ खंदाई, यहाँ 9 जना उन था, 2 लैपटॉप पे लग गया, 2 फोन पे, 3 हिसाब की डायरी पे, 2 TV लग गए। खटाखट फोन आई रहा, लोग कजा कहाँ कहाँ से क्रिकेट वाला सट्टा पाना उतर ही रहा। मुसद्दीपुरा ने ड्रीम कॉलोनी इन 2 ही जगह से 14 करोड़ 58 लाख रुपया खाली नगद आज मिलिया है। इतनी गड्डी के विन के गिंडवा वास्ते भी रात में कजा खीके उठे के मशीन बुलानी पड़ेगी। 25-25 लाख के दूजा देश उनकी करेंसी मिली है। पुलिस का हाथ धराया सगड़ा 9 जना उन पंजाब का लुधियाना नीमच उज्जैन ने निम्बाड़ा करेवा वाला है, सगड़ा कबूतर है। मेन खिलाड़ी तो यो था पीयूष चोपड़ा, खाली यो जो हाथ में आयो बाकी सगड़ा धर ही गया। इसी संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति पीयूष चोपड़ा बड़े स्तर पे सट्टे का जो है ऑनलाइन कारोबार ये कर रहे हैं। इसको पिछले 1-2 दिनों में डेवलप किया गया और कल देर रात से पुलिस की टीमों ने उज्जैन में 2-3 जगहों पे दबिश की है, जिसमें मुसद्दीपुरा जो थाना खाराकुआ क्षेत्र में आता है और 19 ड्रीम्स कॉलोनी जो थाना नीलगंगा में आती है, यहाँ दबिश करके और बहुत बड़ी मात्रा में 14 करोड़ 58 लाख रुपीज़ कैश के रूप में बरामद किया गया है। 7 देशों की विदेशी मुद्रा जिसमें कि पाउंड डॉलर दिरहम वगैरह शामिल है वो बरामद की गई, जिसकी वैल्यूएशन भी लाखों रुपए में होगी। इसके साथ साथ 40 से ज़्यादा जो है वो मोबाइल फ़ोन्स लैपटॉप्स आईपैड मिनीज वगैरह बरामद किए गए हैं। इसमें 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है जो निम्बाहेड़ा लुधियाना और नीमच के रहने वाले हैं, जो ये बेटिंग का कार्य कर रहे थे। मुख्य आरोपी अभी पकड़ा नहीं जा सका है, जिसके लिए टीमें हमारी लगी हुई हैं और ये पूरी रिकवरी और पूरी कार्रवाई को लेके हमने जो एजेंसीज इसमें हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में कैश और कुछ मेटल भी प्रेशियस मेटल भी रिकवर किए गए हैं जो अनअकाउंटेड फॉर हैं, तो उसके लिए जो है आईटी और अन्य एजेंसीज को भी सूचना दी जा रही है ताकि वो भी अपने स्तर पर वेरीफाई करके इसमें कार्रवाई कर सके। बिगड़ियो ढोर ने गिदियो चोर, खाली डंडा अज्ञात नाचे। उज्जैन का बड़ा अस्पताल में सा कजा कितरा गिदिया चोटता उन फंसया, जो हाल तक खाकी वाला भाई उनका हाथ नीचे नहीं आया है। आए दन या का वारा ढूंढ में से सामान गायब हुई जाए, बताओ बापड़ो मरीज अपनो इलाज करा सामान की रखवाली करना करवान जाए। गई रात भी यहाँ से मोबाइल फोन उन चोरी हुई गया, बापड़ो एक मरीज का साथ वालों कैमरा देखवान पहुंचे तो वी को माथो उल्टो खराब, चोट्टा पकड़ने वाला कैमरा लगा ही रखा था, अबे खाली दिखावा सामान बनी के रह गया, चल्लू तो एक भी नहीं है। रात में मैं सो रहा था, रात में मेरा फोन निकाल लिया जेब में से करीब 2:30 बजे से, पर मेरा दोस्त भर्ती है हॉस्पिटल में, पूरा लूट लिया था उन्होंने, बुलाया था फ़ोन करके जब मैं आया था यहाँ पर, उनको देख लिया। मोबाइल था मेरा 19,000 रुपये का वीवो का। यह दोस्त है मेरा, इसके पैर में लगी थी तो मैं आया था इससे मिलने, रात यहीं पर रुका था, ना सो रहे थे नीचे जिन्हें ऊपर था, तो यहाँ पर मोबाइल चोरी हो गया मेरा रात में, 15,000 का मोबाइल भेजा था, अभी 4 महीने भी नहीं हुए। अट्ठारह से ज्यादा अवार्ड से सम्मानित 1947 से प्रसिद्ध पंजाबी शराब वाली उज्जैन में भी आएगी है वाज सेल। हर साल जा मचे लपक के रेलम पेल, सोना ने हीरा का गेना गाठक प्रदर्शनी 15-16 जून के उज्जैन वाली श्री गंगा होटल का माए। यहाँ आपके मिलेगा सोना चांदी का उपहार, पुराना सोना बदलवाना कभी हो विचार तो एक बार आई के जरूर देखी लीजो पंजाबी शराब। परसों मना रविवार गंगा दशहरा है, खुद मुख्यमंत्री जी गंगा दशहरा वाला कार्यक्रम में शामिल होना आई रहा, इना वास्ते सगला विभाग का अधिकारी उन चौकन्ना हुई रहा, रोज रामघाट पर रपट्टा लगाई रहा। गुरुवार सांझ तो पुलिस वाला भाई उनको बैंड भी यहाँ पहुंची गयो, यहाँ एक से एक धुन उन बजाई, आप भी आनंद लो।
उज्जैन का जितना भी ई रिक्शा चला वाला भाई उन्हें नहीं सगला गया, थोड़ा दिन से हैरान परेशान हो रहा था। वजह वाज प्रशासन का अधिकारी उनकी मनमानी, बिना कोई से राय लिए परवारे रूट बना दिया, परवारे टाइम फिक्स करी मिलियो। हूँ तो जब भी कह रही हो आखा शेर का हजारों मणा खून का जिसे पेट पली रहा, विन का लिए इतना बड़ा फैसला का लिए पेड़ा माहौल तो बनाओ, बातचीत से बात आगे बढ़ाओ, जनप्रतिनिधि उनके आगे लाओ, दीखा बात कई कदम उठाओ। देर सवेर ऊंच करना पड़ियो, पुलिस कंट्रोल रूम पर अधिकारी उनने ई रिक्शा चला वाला भाई उनके एसोसिएशन वाला उनसे बात करी, थोड़ी घनी अपनी सुनाई, थोड़ी घनी विन की सुनी, कुल जमा यो की बात पटरी लावा कोशिश हुई। सुनो कौन कई बताई रहो। ई रिक्शा के विषय में यह निर्णय हुआ कि कुछ समझाई से और कुछ नियम शर्तें उन्होंने हमें बताया, तो हमने उनको लिखित तरीके से दिया है और पूरा आश्वासन दिया है कि हम निर्धारित तरीके से और यातायात का नियम पालन करके ही गाड़ी का संचालन करवाएंगे और हम खुद भी नियम का पालन करेंगे। मन में महादेव हो तो तन मंदिर बनी जाए, मंदिर में भोग लगावा बात आए तो खाली शुद्धता चाहे, मने कुल जमा कहानी या के तन का खातर चाहे शुद्ध भोजन। उज्जैन का स्वाद में अब चार चांद लगा वास्ते आई गयो है एक और प्रतिष्ठान महादेव ढाबा। यहाँ आपके स्वाद भी मिलेगा ने शुद्धता भी, यहाँ आपके मिलेगा नाश्ता की व्यवस्था अलग, भोजन की अलग, बच्चा बच्ची उनका खेलकूद की जगह अलग, भोजन को स्वाद ऐसो कहीं नहीं मिलेगा यहाँ जैसो, भले ही अजमाई लो। खट्टा खट पत्तों भी सुनी लो, तपो भूमि पकड़ो नवो देवास वालो फोर लेन पेलो पुल पार करियो पहुंची जाओगा महादेव रेस्टोरेंट। आज तो विश्व रक्तदाता दिवस रियो, हूँ मारी न्यूज वालवाई वाली टीम भैया सतीश जाट साहब, रोशन यादव जी, अशोक गोड़ साहब ने दूजा और भी भाई, हम सगला पहुंची गया चरक भवन वाला ब्लड बैंक में, यहाँ रक्तदान करियो, रक्तदान कराए और भी लोगों के विकल लिए प्रेरित करियो। रक्तदान क्यों जरूरी है यो वीडियो सुन जो जरा। जय रघुनाथ साहब, न्यूज मालवा सगला दर्शकों के आप सबके आज याद दिलाना चाहूँ कि आज विश्व रक्तदान दिवस है और मैंने मारा भाई और साहब यहाँ आया था, यो वारंट है थैली सीने वाला बच्चा उनको आपके बहुत जरूरी जानकारी हम यो देना चाहिए कोई भाई ने लिखे कि अकेला इना वारंट में करीब करीब उज्जैन में सर 150 बच्चा है उज्जैन जिला में जिनके हर 8 दिन में 10 दिन में 15 दिन में 12 दिन में ब्लड लगे और खाली अकेला इना वारंट में 600 मिनट ब्लड लगे। यानी वास्ते हम दो भाई मिली के आपसे अपील करना चाहें, आपसे अनुरोध करना चाहें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान के प्रेरित करो। रक्तदान का क्षेत्र में जो संस्थाओं काम कर रही है, दूजा जो भाई उन काम कर रहे हैं, उनको भी सहयोग करो ताकि सारा बच्चा उनके अपन बचा ही सका, इनके लिए अपन अच्छे से काम कर ही सका। हमारे भाई अशोक कोड़ साहब भी आपसे नहीं कहना चाहिए है। मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें और हमारे देश में जो ब्लड की आवश्यकता होती है, हमारे जैसे थैलेसीमिया के बच्चे को और बहुत सारे एक्सीडेंट में डेथ होने वाले और बहुत सारे जिस प्रकार से हम देखते हैं कि एक्सीडेंट वाले हो गए, किसी गर्भवती महिला को ब्लड की आवश्यकता अचानक पड़ती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें, आगे आए और हम लोगों की मदद करें। जय हिंद, जय भारत, जय रघुनाथ जी। आज राष्ट्रीय रक्तदान दिवस है, इस उपलक्ष्य में आज कई जगह पर रक्तदाताएं अपना स्वैच्छिक रक्तदान उन जरूरतमंद लोगों के लिए कर रहे हैं जिन्हें रक्त की आवश्यकता होती है, और ऐसे थैलेसीमिया बीमारी है, गर्भवती महिलाएं हैं, एक्सीडेंटल केस हैं, इमरजेंसी केसेस में रक्तदान शिविर द्वारा आया गया ब्लड ही उन जरूरतमंदों को पहुँचाया जाता है जिन्हें तत्काल में ब्लड मिल पाता है। आज का आपके उज्जैन मंडी वाला समाचार सुनाऊं। वी का पहला समाचार यो के शनिवार महेश जयंती की वजह से उज्जैन की अनाज मंडी बंद रहेगा, रविवार के छुट्टी है सही, सोमवार आएगी बकरीद, मने 3 दिन मंडी में कारोबार की छुट्टी। अबे सुनो शुक्रवार का उज्जैन मंडी वाला भाव, उज्जैन मंडी में कोई 8000 बोरी गेहूँ की आवक रही, गेहूँ का भाव 1800 से लेके 3039 रुपये का बीच में रहा है, देसी चना का भाव 6000 से लेके 6290 रुपया, काबली चना का भाव 5600 से लेके 10341 रुपया, शंकर चना का भाव 6480 से लेके 6750 रुपया, रायड़ा का भाव 4400 से लेके 5681 रुपया, हरा मूंग का भाव 7180 रुपया, मेथी दाना का भाव 2211 से लेके 4030 रुपया, तिल्ली का भाव 9550 से लेके 11001 रुपया, धनिया का भाव 5500 से लेके 6051 रुपया, सोयाबीन का भाव 2211 से लेके 4030 रुपया का रिया है।
उज्जैन मंडी माह शुक्रवार आलू की 280 कट्टा की आवक थी। आलू भाव 600 से लेकर 2300 का बीच में मॉडल भाव 1600 का रहा है। प्याज की 11900 कट्टा की आवक थी। प्याज का भाव 500 से लेकर 2200 का बीच में मॉडल भाव 1200 का रहा है। लहसुन की 3000 कट्टा की आवक रही। लहसुन का भाव 4500 से लेकर 17500 का बीच में मॉडल भाव 12000 का रहा है।